वेलकम बैक टू जागो दुनिया। मैं हूँ फारूक हसन और क्रिकेट हमारे मुल्क में एक पैशन है। और जैसे कि जनरल रिटायर्ड तौकीर ज़िया साहब ने भी कहा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फॉर्मर चेयरमैन हैं, 4 साल इन्होंने गवर्न किया उस बोर्ड को। और क्रिकेट के हवाले से बहुत से सवाल हमें बहुत से कॉलर्स कॉल कर रहे हैं। वी कैन अंडरस्टैंड द पैशन। जन साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें कर रहे हैं, हम वहीं से सिलसिला जोड़ेंगे। जन साहब, सजाओं पर बात कर रहे थे कि अगर इन्होंने मैच फिक्सिंग का इल्ज़ाम साबित हुआ है तो ये सज़ा कम है जो आपने बोर्ड ने कल इन्हें अवार्ड किया। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मतलब क्यों हाइड कर रहे हैं ना, जुर्म क्यों हाइड कर रहे हैं। ठीक, बिल्कुल आप पब्लिक के सामने ले आए और जो आपने सजा दी है ठीक है, गुड नाउ देन यू स्टैंड बाय इट। सही, फिर सही। आप उसको मेरा मतलब पीछे हटने की जरूरत नहीं है। मैं जरूर इस चीज़ का हामी हूँ कि आप लड़कों को सजा दें अगर वो डिसिप्लिन के दायराकार से बाहर जाते हैं। सही। लेकिन उससे पहले आपका एक काम है कि सजा देने की ज़रूरत महसूस नहीं होनी चाहिए अगर आपने सारे सिस्टम्स को इन प्लेस रखा और आपने लड़कों को अपने उस कंट्रोल में रखा। सही। अगर आप इन सब को, अगर आप खुद ही गैर यकीनी एक सूरत हाल पैदा कर देंगे टीम के अंदर, तो ऑब्वियसली ये लड़के तो जो हैं वो इधर उधर बिखरते जाएंगे, क्योंकि ये बहुत मुख्तलिफ चीज़ों से आए, मुख्तलिफ बैकग्राउंड। अभी उमर अकमल का फॉर एग्जाम्पल के जी, वो अगर वो अपना बड़ा भाई नहीं, भाई दूसरा नहीं खेलेगा तो मैं नहीं खेलूंगा। मैनेजर को चाहिए था उसी वक्त उसको बोलता, पैकअप योर बैग, थैंक यू वेरी मच, ये नेक्स्ट फ्लाइट है ऑफ टू लाहौर, ठीक है, भिजवा देते। कभी उसके बाद कभी सर ये जुर्म है उनका कि उन्होंने इनकार किया। मेरे ख्याल यही था सुनने में, मतलब इनकार नहीं किया तो कोई अनफिट हो गया कि मैं नहीं खेलूंगा अगर वो नहीं खेलेगा तो। उन्हें तो आए हुए भी अभी बड़ा थोड़ा अरसा, 3 महीने हुए हैं तो उसमें। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब वो होती है ना सजा, निप द इविल इन द बड। सही। वही मैनेजर को चाहिए था। अब मैनेजर भी आपके कोई इतने, मेरा मतलब वो घामंड किस्म के नहीं होते, बड़े अच्छे किस्म के लोग होते हैं जिनको चाहिए कि इनको कंट्रोल करें। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं जी ज़हीर अब्बास साहब, उनसे बात करते हैं अबाउट द अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट दैट टुक प्लेस यस्टरडे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसे हैं? जी सर बिल्कुल ठीक। सर ये जो कल जो डिसीजन लिया गया आफ्टर द रिकमेंडेशंस ऑफ द कमिटी, सर इसके बारे में हमने आपसे कुछ पूछना था। वो बिल्कुल राइट डिसीजन है बोर्ड का। इन्होंने रैंसम बना दिया था, प्लेयर्स ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रैंसम किया हुआ था, अभी से नहीं बल्कि 10-15 साल से। लेकिन जो बोर्ड ने ता उम्र पाबंदी लगा दी थी हमारे टेस्ट प्लेयर्स पे, दो पे, यूसुफ, मोहम्मद यूसुफ पे और यूनुस खान पे, वो ज्यादती थी। और अच्छा हुआ जो बोर्ड ने ये फैसला वापस ले लिया। मतलब ये कि इन्होंने मुल्क का नाम बहुत रोशन किया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बात यह है कि किसी पे भी अगर आप सारी उम्र भर का अगर आप पाबंदी लगा देते तो मेरे ख्याल में कुछ ज्यादती है। बड़ा ऐसा मतलब उनको कह दिया गया कि उनके लिए ये ब्रेड एंड बटर है, तो उसके लिए मेरे ख्याल है कि बोर्ड ने कुछ बहुत ज्यादती की थी। इसके अलावा जो भी उनके डिसीजन है वो आई एम 100% विद द बोर्ड। ज़हीर भाई अस्सलाम वालेकुम, फारूक हसन बोल रहा हूँ। और आप खुद भी मैनेज करते रहे पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, श्रीलंका का टूर मुझे याद है, आई वॉज देयर। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि इतनी देर क्यों लगी ये रियलाइज करने में, और एक साथ ही 5-7 खिलाड़ियों को क्यों एक्स किया गया? क्या ये बात ये है कि ये बोर्ड इसलिए लोग थोड़ा सा तंकीद इसलिए कर रहे हैं कि इन्होंने 7 प्लेयर्स पे पाबंदियां लगाई हैं और जुर्माने किए हैं। बात ये है कि ये तो पुराने बोर्ड को भी सोचना चाहिए था, ये चीजें तो 10-15 साल से हो रही है। लेकिन उन लोगों को, आपने जो हमारे जो ग्रेट प्लेयर्स हैं उनको इन्होंने मतलब छूट देते चले गए, और अब ये नौबत आ गई कि 7-8 प्लेयर्स जो हैं किसी ना किसी बोर्ड ने तो डिसीजन लेना ही था। तो मेरे ख्याल है कि इजाज़ भट्ट साहब की ये जो चेयरमैनशिप में ये फैसला लिया गया है ये बिल्कुल दुरुस्त है। बात ये है कि अगर आपकी टीम में नज्म व ज़ब्त ही नहीं है तो टीम जो है वो कैसे अच्छी हो सकती है? आई झगड़े होते जिस ट्रिप को देख लें आप, उस ट्रिप में कोई ना कोई एक चीज सामने उठ के आती है और कंट्रोवर्सी जरूर खड़ी होती है। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया ज़हीर भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जहाँ साहब, आप क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन इजाज़ भट्ट साहब के हवाले से कुछ कहना चाह रहे थे। नहीं, मैं जनरली क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन मैं कह रहा हूँ कि वो एक तजर्बाकार आदमी होता है, दानिशमंद होता है, दूरंदेश होता है, और वो उस उम्र के उस हिस्से में होता है जहाँ उसने बहुत सारी जिंदगी
बहुत सारे इदारे, बहुत सारे लोग देखे होते हैं, इसलिए वो तजर्बाकार। और क्रिकेट बोर्ड का सिर्फ एक चेयरमैन का एक काम नहीं है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को लुक आफ्टर करना, उनके बहुत सारे काम है। सबसे पहले तो एक लीडर को अपना एक विजन अपना देना पड़ता है कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट को चलाना कैसे चाहता क्या चाहता हूँ। अब उसमें आपके ग्रास रूट लेवल आता है, स्कूल क्रिकेट आती है, कॉलेज यूनिवर्सिटी क्रिकेट आती है, आपकी क्लब क्रिकेट आती है, आपकी रीजन क्रिकेट आती है, आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट आती है, आपकी डिपार्टमेंट क्रिकेट आती है। इसके अलावा आपने फैसिलिटीज़ जो डेवलपमेंट प्लान आपने बनाना है, स्टेडियम्स हैं, ग्राउंड्स हैं, उसमें जो लोगों को फैसिलिटीज देनी है वो उसके ज़ुमरे में आती हैं। फिर आपका मार्केटिंग है, आपका मीडिया हैंडलिंग है, आपका वेलफेयर ऑफ क्रिकेटर्स है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ क्रिकेटर्स है। तो 8-10 काम हैं जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को करने पड़ते हैं। अब एक डिसिप्लिन जो है, जिसकी ज़हीर अब्बास भी बात कर रहे हैं, ये उनका अपने एक पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं कह रहा हूं कि ठीक है, आपने इन 5 लड़कों को सजा दी, बहुत अच्छा किया, मिलनी चाहिए सजा, लेकिन क्या इसके साथ आपने ये कहा कि जो मैनेजमेंट इनके साथ गई हुई थी उनको आंसरेबल किया? क्या आप लोगों ने यहां से जो पॉलिसीज बना के लोगों को सिखाया, यहां से लोगों को प्रिपेयर करके भेजा? इतना इंतजार क्यों करना पड़ा आपको कि इन लोगों के ऊपर इतना एक्शन लेने के लिए? उस वक्त क्यों नहीं पूछा गया यावर सईद साहब से या रकीब साहब से या जो भी मैनेजर उनके साथ जाते हैं? अब आप मुझे बताएं कि ऑस्ट्रेलिया में आप क्लीन स्वीप खा के वापस आ जाते हैं, लेकिन इंतखाब आलम जो कोच हैं वो तो आके यहाँ डायरेक्टर ऑफ एकेडमीज लग गए। उनकी तो कोई क्या, उनकी कोई पूछ कुछ नहीं है। उन्होंने क्या प्लान, गेम प्लान बनाया, उन्होंने क्या स्ट्रैटेजी बनाई कप्तान के साथ मिलकर? ठीक है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान टीम को कोचिंग की जरूरत नहीं है, शायद छोटी मोटी इधर उधर पॉइंट्स देने हो, लेकिन एक कोच का काम है गेम प्लान बनाना, एक स्ट्रैटेजी कप्तान के साथ मिलकर बनाना। अगर कप्तान उसकी बात नहीं सुन रहा तो फिर या वो जाना चाहिए या कप्तान को वापस भेज देना चाहिए। अच्छा सर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सजेशन जो जनरल अगर कंसेंसस निकाला जाए वो कोड ऑफ एथिक्स की है कि जी जब भी आप नया प्लेयर इंडक्ट करें टीम में, अगर आप कोड ऑफ एथिक्स उससे साइन करा लें और वो साइन कर दे कि हाँ जी ये दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ मी एंड आई फुली एग्री, मैंने इस पर साइन किया है, अपना दस्तखत किया है, तो शायद मसला हल हो जाए। आप एग्री करते हैं सर? फारूक देखो मेरी बात सुनो, हम मुसलमान हैं ना। बिल्कुल। और हर रोज सुबह कुरान की आयात भी तर्जमा भी होता है जी। और हम कहते हैं कि ये दिस इज द मोस्ट परफेक्ट रिलीजन। उसमें क्या चीज है, उसमें एथिक्स नहीं हमें सिखाई कि झूठ नहीं बोलना, आपने ऑनेस्ट रहना है, आपने करप्शन नहीं करनी, आपने फलाना नहीं करना, आपने बड़ों का कहना माना, सब चीजें हैं कि नहीं? इसमें मेरा मतलब किसी से कॉन्ट्रैक्ट लिखाने की क्या जरूरत है? अगर मैं आपको एक बात बता दूं, जिस वक्त आप नाइंसाफियां करेंगे, जिस वक्त आप बेईमानी और बदनीयती पे ऊपर आएंगे, जिस वक्त आप अपने मुल्क को बेचेंगे, आज नहीं तो कल अल्लाह मियां आपको पकड़ेगा और आप जलीलो ख्वार होंगे। और मैं आपको बोल रहा हूं कि हमें उन तमाम चीजों से, मैं लड़कों को भी बताता हूं कि खुदा के लिए इन चीजों से डरो, क्योंकि आज जो तुम करोगे इसका फल जो है वो तुम्हें ये ना हो कि खराब होके मिलो। और आपके सामने बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं, लेकिन हो सकता है कि ईवल आजकल प्रोग्रेस कर रहा है। अगर जो लोग बैन हो गए उनके पास करोड़ों अरबों रुपए हैं, ठीक है, जिस हिसाब से फाइन लगे हैं तो यही लग रहा है अजरुद्दीन को बैन किया तो वो मेंबर ऑफ द असेंबली बन गया, ठीक है। और लेकिन जलालत तो जलालत ही है ना। मेरे ख्याल आदमी की इज्जत इज मोर इम्पोर्टेंट देन द मनी दैट दे अर्न। सर सलूशन क्या है, मुझे ये बताएं कि आप ये मसला हल कैसे होगा? देखो सलूशन मैं आपको बताऊं, सलूशन ये है कि एक सिस्टम आपने बनाया हुआ है और उसमें बड़े स्ट्रिक्ट चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। आप पहले तो वो लड़के ट्रेन करें, सबसे पहले तो ये कि यू हैव टू बी नेक नियत योर सेल्फ। अगर मैं अपने बेटे को, अपने सन इन लॉ को, अपने सिफारिशी पे पैसे लेके किसी को खिला दूंगा तो दैट मीन्स कि यू आर डूइंग इनजस्टिस टू सम ऑफ द गुड प्लेयर्स। तो मेरिट जो है ना वो बहुत जरूरी है। और ये बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिनको क्रिकेट बोर्ड इस्तेमाल नहीं कर रहा। ठीक और ठीक है, ज़हीर अब्बास है, कादिर है, माजिद है, अकरम, वसीम अकरम है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको, इनको सरफराज नवाज हैं, ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इस्तेमाल करना चाहिए और गैर यकीनी हालात नहीं पैदा करने चाहिए। अब देखो ना, आप यूनुस को भेज देते हो, फिर आप मिसबा को भेज देते हो, फिर मिसबा को वापस बुला लेते हो, फिर सरफराज जाता है, फिर सरफराज वापस आ जाता है, फिर मोहम्मद समी जाता है, फिर वो वापस आ जाता है। तो मकसद कहने के ये आपके अपने दिमाग में डाउट्स हैं और एतमाद नहीं है आपको सिलेक्शन के ऊपर, उन लड़कों के ऊपर। ऑस्ट्रेलिया में जाके कौन सी टीम है जो कि जीत के आती है? तो पाकिस्तान, मेरा मतलब ऐसी कौन सी बात है, डजंट मैटर, हारना तो हारना है, लेकिन एक तरीके से, लेकिन एक तरीका कार आप कम से कम उसको गैर यकीनी हालात पे तो मत रखो। सही। दूसरा ये कि आपने देखो इतनी एकेडमीज बनाई, आपने इतना, आपके पास टैलेंट मौजूद है,
उनको आप निखारो, उनको आजकल तो कंप्यूटर के जमाने हैं ना, कहां से कहां आप रिकॉर्ड, वो मामू कह रहे थे कि 100 साल का उनके पास वो रिकॉर्ड है, वो उनके जो स्टार मूवमेंट का जी। तो मतलब आजकल की दुनिया में कोई रिकॉर्ड रखना कोई मुश्किल काम तो नहीं है। सही। और इतनी फैसिलिटीज अवेलेबल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास, उनका इस्तेमाल करें। ताकि साहब थैंक यू वेरी मच, बहुत सी बातें आपसे करनी थी लेकिन टाइम हमारे पास लिमिटेड है, लाइव प्रोग्राम है, ब्रेकफास्ट शो है। बहुत शुक्रिया आपकी शिरकत का, थैंक यू वेरी मच, एंड आई एम श्योर कि बहुत से लोगों ने बेनिफिट किया होगा आपकी इन बातों से, इस एडवाइस से, इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन बहुत अच्छा गुजरे। फारूक हसन और मलिया गिलानी को दें इजाजत, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।